तो यहाँ से निकलते हैं अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टुवर्ड्स आर डेस्टिनेशन के आगे जाके देखता हूँ मैं और कोई रास्ता है या नहीं है और नहीं वो तो फिर मुझे लगता है रिटर्न लौटना पड़ेगा। कहाँ होटल ले लिया यार, ये है होटल कुबेर वाटिका। समझ में नहीं आ रहा है शादी का जगह मैं कहाँ पे आ गया यार, ये फिर तो कोई शादी वादी का कोई लॉन वॉन लग रहा है ये। सो गुड मॉर्निंग ऑल यू पीपल, कैसे हैं आप लोग? एंड आई एम ऑन द वे टू सागर ऑन इंदौर भोपाल रोड एंड आगे से आई बी टेकिंग अ लेफ्ट टर्न ऑन भौरी बाईपास बिकॉज आई एम नॉट एंटरिंग इन टू भोपाल। यहाँ से डायरेक्टली मैं सांची होते हुए विदिशा होते हुए सागर की तरफ निकलूँगा एंड दिस इज द लेफ्ट टर्न एंड ये जो भौरी रोड है या बाईपास है यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, दे आर प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, आई मीन लाइक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, IISER है, MP पुलिस अकेडमी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ से सांची है 35, विदिशा है 44। सो आई एम जहाँ तक मुझे लगता है कि विदिशा सिटी के अंदर एंटर नहीं करेंगे, हम लोग बाहर से निकल जाएंगे सांची होते हुए। तो बीच में यहाँ पर एक जगह पड़ती है टॉपिक ऑफ कैंसर, तो वहाँ पर के तो फोटो वोटो लेंगे एंड तब तक फिर यू एंजॉय द राइड एंड बंद करता हूँ अपना GoPro। सो देयर यू कैन सी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा डायरेक्टली बिलो, क्योंकि यहाँ से ये लाइन इस तरह से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ये एंड ये सामने इस तरह से। यहाँ पर थोड़ी देर रुका था मैं, कई बार यहाँ से निकला हूँ बट कभी यहाँ पर रुक के साथ फोटो सेशन नहीं किया है। आई थॉट कि आज मौका है सो यहाँ पर रुकता हूँ और एक फोटो वगैरह लेता हूँ मैं। ओ माय गॉड, इसका तो चैन का राइडर ही नहीं पड़ गया। ठीक है कोई नहीं, लेट्स गो। आगे सांची पड़ेगा तो सांची पर भी रुकेंगे, सोच रहा हूँ कि सांची पर रुक के थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाए। तो बाय बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जाके थोड़ी ठंड से राहत मिली है मुझे, और बहुत जोर से ठंड लग रही थी सुबह सुबह। सो सांची यहाँ से बता रहा है 4 किलोमीटर्स, बट यार अभी पिछला जो लास्ट जो 7-8 किलोमीटर जो निकले हैं वो बहुत ही ख़राब रोड था यार, जबकि एक्चुअली सांची और भोपाल के बीच तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी बिकॉज सांची इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यार, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, बट फिर भी रोड की कंडीशन तो बहुत पुअर थी। अभी तो फिर भी चलो ठीक है, पहले तो बहुत ही ख़राब कंडीशन थी रोड की। इवन मैं कई बार यहाँ से निकला हूँ मैं, जब मुझे कानपुर वगैरह निकलना पड़ता था, अपने गांव जाना पड़ता था, तो इसी रोड से निकलता था, बट रोड बहुत ख़राब था। वो सामने आपको मेरे राइट हैंड साइड पे जो पहाड़ी दिखाई दे रही होगी ना, वहाँ पर हैं सांची के स्तूपाज, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन लोगों के कुछ रेलिक्स वगैरह रखे हुए हैं, अभी हैं या नहीं है क्योंकि मैं आज तक अभी गया नहीं हूँ सांची, सो कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, बट काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सुना है लोगों के बारे में, मेरे कॉलेज से काफ़ी लोग सांची आया करते थे, बट अभी टाइम भी हो रहा है तो मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं ब्रेकफास्ट के लिए। मैं सोच रहा हूँ सीधे मैं सागर ही जाऊँ, फिर वहीं पे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह सब साथ में वही करूँगा यार मैं, बिकॉज मुझे टाइम थोड़ा सा कवर करना है। ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है अभी, फटाफट यहाँ से निकलता हूँ मैं। तो ये जो रोड था ना, जैसे सांची को क्रॉस करते हैं, सांची का जो मेन जो एंट्रेंस है, ये बहुत ख़राब रोड हुआ करता था बहुत पहले, अभी तो फिर भी बहुत ठीक कर दिया है बिकॉज कई बार यहाँ पर जाम वगैरह भी लगता था। चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ है। We'll be right back.
सो सांची के बाद विदिशा बाईपास क्रॉस करने के बाद में आई एम ऑन टुवर्ड्स ग्यारसपुर। तो ये यहाँ पर घाट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे बोर्ड लगे हुए हैं कि वाइल्ड लाइफ एनिमल से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी हिरण या वैसा कोई भी जानवर एकदम से रोड क्रॉस कर सकता है। सो इट माइट बी वेरी डेंजरस फॉर यू, डेफिनेटली जानवर के लिए है कि नहीं है, बट आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है। सो जो मैंने रूट पकड़ा है ना, ये विदिशा बाईपास से होते हुए मैं जाऊंगा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर से सिहोरा एंड वहां से राहतगढ़ एंड टुवर्ड्स सागर। तो रोड भी वही है, काफ़ी अच्छा है, नया नया रोड बनाया है। तो घाट सेक्शन भी हैं हल्के फुल्के, थोड़ा सा जंगल का एरिया ही पड़ता है। सो अच्छा रूट बताया था मुझे, गूगल मैप भी यही रूट सजेस्ट कर रहा था, सो मैं इसी से गया था। कई लोग रायसेन से भी निकलते हैं, पर ठीक है अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कैसा क्या है। बाकी रोड तो अच्छा है, टू लेन रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, कन्वीनियंटली आप यू कैन ईजिली क्रूज ऑन 100+। दो मेरी बाइक 120 के ऊपर जाती नहीं है, बट स्टिल आई एम क्रूजिंग एट 100 and 110, सो आई एम मेंटेनिंग अ गुड स्पीड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।